कॉम्पिटिटिव वक्त में सक्सेस क्या है? दूसरों से अलग होना, बी यूनिक, बी आउट ऑफ द बॉक्स एंड बिकम सक्सेसफुल। वेल, आजकल काफ़ी लोग क्यूरियस हैं, हमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज जंबो वेल्थ, हम क्या करते हैं जंबो वेल्थ में, और हम कैसे डिफरेंट है, हाउ आर वी डिफरेंट, व्हाट आर द सर्विसेज वी प्रोवाइड, व्हाट आर अवर यूनिक पॉइंट्स, वेदर हाउ बेटर वी आर और हाउ सुपीरियर वी आर, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, लेट मी स्टार्ट विद आवर मोटो। जंबो वेल्थ का मोटो बहुत क्लियर है, बी काइंड, सपोर्टिव एंड एड वैल्यू टू पीपल अराउंड यू। दैट इज अ वेरी क्लियर मोटो ऑफ अवर कंपनी। एनीबडी हु जॉइंस अवर कंपनी इज द सिंपल मैसेज वी कन्वे कि यू आर हियर टू बी काइंड, टू एड वैल्यू एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल अराउंड यू, टू सपोर्ट पीपल। काइंड इन द सेंस एम्पैथी, Try to understand what is the opposite person's problem, क्या challenges हैं उनके, what are the financial matters where they are seeking some kind of advice or support. So understand their problem and then try to create a solution and then fit a suitable product through which that solution can be provided. वैल्यू, एड वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वी हैव 50 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड अ वेरी गुड लीगेसी, सो फॉर अस इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू स्टार्ट विथ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। बट व्हाट वी अंडरस्टूड वॉज वेरी क्लियर एंड कम्युनिकेटेड बाय माय फादर, माय अपब्रिंगिंग, वेरी क्लियर वॉज दैट यू नीड टू एड वैल्यू। इफ यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू अ पर्सन, डोंट डू दैट वर्क, अब वो काम मत करो। तो जहाँ हमें लगता है कि हम वैल्यू नहीं ऐड कर पाते, हम वहाँ पे बहुत क्लियरली नो बोल देते हैं। और उसी तरह दैट इज द ओनली रीजन कि काफ़ी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो है उससे जंबो वेल्थ ने अपना जर्नी स्टार्ट नहीं किया। इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस, राइट? सो वी स्टार्टेड विथ म्यूचुअल फंड बिकॉज वी वर वेरी क्लियर कि दिस इज वन प्रोडक्ट वेर वी कैन डेफिनेटली एड लॉट ऑफ वैल्यू। और उसके बाद जो जो हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐड करते हैं हमारे पोर्टफोलियोज में, तो हम यही चीज़ देखते हैं कि क्या वो प्रोडक्ट में हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं। अगर आप बैंक की एफडी करते हो, आप कंपनी की एफडी करते हो, आप कोई गारंटेड इंश्योरेंस प्लान ले लेते हो, तो व्हाट इज़ द वैल्यू वी ऐड? आप कहीं से भी ले लो, आपका आउटकम तो सेम ही मिलने वाला है। सर्विस 19-20 हो सकती है, बाकी द एंड रिजल्ट वुड बी सेम, राइट? सो दैट इज वेयर वी ट्राई टू स्टीयर। एम्पैथी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई स्टिल रिमेंबर एज इफ इट इज लाइक एवरी मॉर्निंग माई फादर इज टेलिंग मी इन माई ईयर्स, ऐसा मुझे जब भी मैं आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ये लाइन मुझे ऑलवेज याद रहती है। द डे आई कम्युनिकेटेड टू माई फादर कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई प्रोफेशन इन टू वेल्थ मैनेजमेंट, कि हमें बैलेंस शीट ऑडिट नहीं करनी, मुझे बैलेंस शीट बिल्ड करनी है क्लाइंट के लिए। तो इट वॉज समवेयर शॉकिंग के एनी एवरीबडी वॉन्ट्स दैट यू नो द सन कम्स एंड टेक ओवर देयर प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश प्रैक्टिस, वेरी गुड नेम, टू जनरेशन, आई एम द थर्ड जनरेशन, बट ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही सपोर्टेड मी इन माई डिसीजन। एंड One advice he told me, you do what you want to do, you do where you feel you have passion, you do where you are able to add value. और एक ही चीज याद रखना कि तुम जो profession start करने वाले हो, it is where you are going to manage money and emotion, और वो दोनों चीज बहुत delicate होती है। तो बोले for your 1 rupee, ये याद रखना कि किसी का 100 rupees खाड़े में ना जाए। So you just for your small benefit, you should not do something which can have big financial impact or जिससे किसी का trust टूटे। तो अपना 1 rupee कमाने के लिए किसी के 100 rupees को खड्डे में मत डालना। ये बहुत simple और clear message was communicated and till today we very clearly follow it.
एट जंबो वेल्थ वी हैव वेरी गुड टीम. काफी लोग आए, काफी लोग गए एंड काफी लोग यहाँ से एक अच्छा मुकाम आगे जाके बनाए. वी आर वेरी हैप्पी, दे आर सक्सेसफुल. तो वी हैव नेवर टर्मिनेटेड एनीबडी फॉर नॉट अचीविंग टारगेट. वी आर वेरी लिबरल बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू. आई कैन नॉट प्रेशराइज माई सेल्स टीम ऑन टारगेट. द डे आई प्रेशराइज दी हैव टू, वो किसी को कुछ भी पकड़ा के आएंगे क्योंकि उनमें उनकी गलती नहीं होगी. एंड दैट इज वॉट यू हैव ऑब्जर्व हैपन्स एट बैंक. बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रेशर मेनी टाइम्स अ रिलेशनशिप मैनेजर जिसका 5-10 साल से रिलेशन होता है क्लाइंट के साथ, एक गलत या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दे देता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर. तो वी आर वेरी लीनियंट. वी आर वेरी मच कि आप नहीं टारगेट कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट मंथ उसके बाद आप एफर्ट्स दो. और उससे क्या होता है, क्लाइंट का पेशेंस अगर हमें डेवलप करना है तो पहले मुझे मेरे टीम का पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, तो ही वो आगे क्लाइंट को पेशेंस समझा पाएगा. बट इफ एनीबडी इज फाउंड कम्युनिकेटिंग रॉन्ग थिंग्स टू क्लाइंट, प्रॉमिसिंग रॉन्ग थिंग्स टू क्लाइंट और इंटेंशनली डूइंग एनी एक्शन विच रिजल्ट इन टू अ लॉस और अ प्रोबेबल ऑफ लॉस, वी हैव अ इमीडिएट टर्मिनेशन पॉलिसी. फिर वो बंदा हमारे साथ 25 साल से काम क्यों ना करता हो, 15 साल से काम क्यों ना करता. दैट इज वन एरिया वेयर वी आर नॉट एट ऑल टॉलरेंट कि भाई हमारी वजह से किसी को लॉस नहीं होना चाहिए. आई ऑलवेज बिलीव कि मैं किसी को भी मिलूँ ना तो उससे उसको खुद फाइनेंशियल बेनिफिट होना चाहिए. जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल बेनिफिट तभी हो जब वो मेरे थ्रू इन्वेस्ट करे. बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हुए, बहुत सारे आई कैन रिमेंबर सो मेनी इंस्टेंसेस कि जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट के लिए गया हूँ, मे बी मैं रियलाइज कि नहीं राइट नाउ दे शुड पे ऑफ देयर लोन और वो लोन पे करने से ज़्यादा फायदा है. या कभी कुछ स्मॉल फैमिली में कुछ फाइनेंशियल मैटर्स होती है और बहुत सिंपल कुछ आइडिया से वो सॉर्ट आउट हो जाती है. कभी किसी को कहीं पे अच्छा डील करवा दी, कहीं पे थोड़ा लोन नेगोशिएट हो गया एंड वी आर हैप्पी. मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मेरे मिलने से सामने वाले को फायदा होता है तो माई पर्पज इज शॉर्ट. सो दैट इज एंड वी आर ऑलवेज कमिटेड टू क्लाइंट एंड क्लाइंट बेनिफिट इज एट आवर सेंटर पॉइंट. नाउ ये चीज तो हर कोई बोलता है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम नॉट क्लाइंट सेंटर्ड. हु विल से दैट, राइट? एवरीबडी. और आई फील दैट हर कोई क्लाइंट का नुकसान करने के एंगल से तो करता ही नहीं है. मेजोरिटी कोई भी प्रोफेशनल होगा उसका इंटेंशन तो अच्छा ही होता है. कई बार नोइंगली अननोइंगली या कुछ क्लाइंट को ये हो जाता है. बट हाउ डू वी से दैट वी आर क्लाइंट सेंट्रिक? तो टाइम एंड अगेन वी हैव हैविली इन्वेस्टेड इन टू एजुकेटिंग अवर सेल्फ एंड टिल टूडे वी कीप ऑन लर्निंग. इवन एट दिस एज आई एम एनरोलिंग, अगर मुझे कुछ लगता है कि ये चीज़ मुझे सीखना चाहिए फॉर माई क्लाइंट बिकॉज मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है टू बी अपडेटेड. क्लाइंट इज पुटिंग फेथ ऑन अस एंड आउटसोर्सिंग फ्यू मैटर्स टू अस, तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपडेटेड रहें एंड वी कीप ऑन इनोवेटिंग न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग मनी जिससे क्लाइंट को फायदा हो. We were the very first to start financial planning in our territory. We were very early adopters of goal-based investment, financial planning. एक छोटा एक्सेल से स्टार्ट किया था, बट हमने स्टार्ट किया था. We were the first to understand that equity as an asset class should be important part. When we started as Jumbo Wealth, सबसे ज़्यादा debt fund बेचे जाते थे, income funds बेचे जाते थे, because उसमें volatility कम होती है. और इट्स वेरी इजी टू सेल एंड क्लाइंट को भी कंफर्टेबल होता है. बट हमने 2004 में देखा कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इट्स गोइंग टू बी मच अबाउट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. और इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज नॉट अ स्टोरी, वो कोई प्रेजेंटेशन की स्लाइड नहीं है. जब हमें स्लाइड दिखाई गई थी तो वी से कि क्या सही में ये है या एक मार्केटिंग गिमिक है. वॉट वी अंडरस्टूड नो, इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज अ वेरी स्टोरी विच इज वेरी 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 रियल एंड इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी. तो हमें एक चीज लगा कि अगर इंडिया ग्रोथ स्टोरी में से वेल्थ बनानी है तो वो कोई बंदा FD में रह के या फिक्स इनकम में रह के तो नहीं बना पाएगा. दे हैव टू पार्टिसिपेट इन टू एक्विटी. एक्विटी इज द ओनली असेट क्लास थ्रू विच यू कैन पार्टिसिपेट इन अ कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी.
हम आज ट्रिलियन डॉलर बन गए, हम एक प्रेजेंटेशन में बोलते थे कि वी विल बी अ 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड दैट एंड बट वी विल वेरी सून बी अ 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी एंड वी विल डेफिनेटली बी अ 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी. बट इफ यू इंटेंड टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट, आइदर यू शुड बी इनटू, यू शुड बी अ बिजनेस ओनर इन इंडिया और यू शुड बी एन इन्वेस्टर इन इंडिया इनटू सम बिजनेस, राइट. तो वी वर वेरी फर्स्ट, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट हमने वो MIP मंथली इनकम प्लान करके आता था जिसमें 20-25% इक्विटी होता था, दैट एंड 15-20% इक्विटी. सो दैट इज वेयर एंड स्लोली स्लोली हम इक्विटी फंड प्रमोट किए. वी वर द वेरी फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस, असेट एलोकेशन. व्हेन नो वन वॉज टॉकिंग अबाउट एसेट एलोकेशन, वी वेरी एडवोकेटेडली प्रोपोगेटेड दैट अगर पैसा बनाना है तो एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट, और हमें अच्छा लगता है कि चलो वी वर नॉट ओनली अर्ली एडॉप्टर्स बट हम लोग सही रास्ते पे हूँ जहाँ मेरे क्लाइंट को फायदा होगा. अगर हमारा कोई कॉपी करता है ना, हमें बहुत खुशी होती है, वी आर वेरी हैप्पी. और आप देखो, हम अभी लॉट ऑफ थिंग्स वी आर पुटिंग ऑन फेसबुक ओपनली एंड ऑल दैट, सो दैट लेट मोर एंड मोर पीपल लर्न, लेट मोर एंड मोर पीपल डू इट. अगर कॉपी कर रहे हैं तो हम कुछ सही कर रहे हैं तो ही कॉपी करते होंगे. तो आज की तारीख में भी वी वर द वेरी फर्स्ट एडॉप्टर्स के बिकॉज परफॉर्मेंस चेसिंग इज नॉट द गेम वेयर मनी विल बी मेड, मनी विल बी लॉस्ट फॉर यू. वी नीड टू फोकस मोर ऑन रिस्क मैनेजमेंट. सो टाइम एंड अगेन वी हैव बीन अर्ली एडॉप्टर्स एंड आई सेड वी आर मेनी टाइम्स इनोवेटर्स एंड नाउ वी आर द फर्स्ट टू डिप्लॉय रोबोटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द पोर्टफोलियो क्रिएशन पार्ट. डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है बट वेन इट कम्स टू एडवाइजिंग, वेन इट कम्स टू पोर्टफोलियो क्रिएशन, वी आर द फर्स्ट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी हैव सीरियसली वर्कड हार्ड फॉर इट एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द प्लेटफॉर्म विच हैज कम अप टूडे. एंड वहां पे हमारा जो कोर फोकस रहा है ना, दैट इज क्रॉप, CROP, कॉस्ट एंड रिस्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल. हम जब फोटो क्रॉप करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी चीज होती है उसको हम एलिमिनेट करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट करते हैं. तो हम ये समझते हैं कि हमारे हाथ में दो ही चीज है, रिस्क और कॉस्ट. वो है जहां पे वी शुड फोकस रदर देन रिटर्न, बिकॉज रिटर्न इज बेस्ड ऑन आउटकम एंड आउटकम इज कंप्लीटली अनसर्टेन, नो वन नोज द आउटकम, राइट. सो वेन आउटकम इज अनसर्टेन, वाई सो मच ऑफ एनर्जी इज बींग गिवन और why there are so much of promises that we will give you the best performing fund, we will give you the tomorrow superstar, tomorrow multi-bagger. No one knows, किसको पता था HDFC बैंक multi-bagger बनेगा, था कोई 1999 में जो बोला था कि लिखा था, all multi-baggers होने के बाद ही पता चला, right? Who knew Infosys in 1999? Do we know आने वाले 10 साल में कौन multi-bagger बनेगा? We have no idea. Success एक process है जिसका आउटकम निर्भर करता है आपके माइंडसेट पर. अगर आप परफॉर्मेंस और पैसे को चेस करोगे तो आउटकम आपके फेवर में नहीं आएगा. यू नो, सबसे ज्यादा जो मैं सरप्राइज हूं एंड आई एम ऑलवेज वेरी कंफ्यूज्ड इज आई डोंट नो व्हाई ये व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को इतना वेटेज दिया जाता है. पीपल आर क्रेजी. Like I would say, investors chase return and distributors sell return. Pura ye jo industry wo performance based pe hai, and which is very shocking. And hamara focus yahi rehta hai ki we try to communicate ki see ye jo performance hai na wo kisi ke hath mein nahi. Agar hum process follow karenge na, to outcome definitely favorable hoga. Lekin agar hum performance ko chase karenge, to sorry but the outcome will not be happy. एंड दैट इज द रीजन के डिस्पाइट एक्विटी एज एन असेट क्लास, म्यूचुअल फंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सच अ फैंटास्टिक असेट क्लास, सच अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट, पीपल हैव रियली बैड एक्सपीरियंस, पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस एंड देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी. सब यार एवरीबडी कहीं ना कहीं सोचता तो है कि यार ठीक है, सब कोई हर कुछ बोलता है लेकिन अल्टीमेटली पोर्टफोलियो में कुछ दिखता नहीं है, सब आके बात करते हैं. और मैं समझता हूँ कि कहीं पे ये हमारी फैटर्निटी की भी
रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं ना कहीं हम गलत गए. आई डोंट से दैट क्लाइंट इज रॉन्ग इफ इज आस्किंग फॉर परफॉर्मेंस और इफ इज टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस. क्योंकि अगर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसका मीनिंग तो यही है कि ही सेक्रीफाइसिंग हिज टूडेज कंजम्पशन. आदमी स्पेंड नहीं कर रहा है और आदमी वो पैसा सेव कर रहा है, तो क्यों सेव कर रहा है? ताकि इन फ्यूचर वो ज्यादा स्पेंड कर पाए. तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि यार व्हाट इज द वे. बट डिस्ट्रीब्यूशन फैटिलिटी बोल लो या ये पूरा AMC बोल लो या मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, दे हैव ऑलवेज गिवन इम्पोर्टेंस और दे हैव मार्केटेड प्रोडक्ट ऑन बेस ऑफ परफॉर्मेंस. और जो सवाल है ना कि आर वी सुपीरियर टू आवर काउंटर पार्ट और टू सम बैंक और टू एनीबडी एल्स, नो वी आर नॉट. हम ये मानते ही नहीं है कि हम सुपीरियर. वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स, एज ए मैं एक इंसान हूँ तो एज ए इंसान कहीं ना कहीं मैं गलती तो करूँगा. तो मैं अगर गलती कर रहा हूँ तो मैं कैसे सुपीरियर हो सकता हूँ? हमारा बहुत क्लियर फिलोसॉफी है, वी आर नॉट देयर टू कम्पीट. हम जब क्लाइंट को मिलते हैं ना, वी आर नॉट फोकस्ड टू शो अवर सुपीरियरिटी. जो कहीं दिस बिकॉज दैट इज व्हाई पीपल फेल. पीपल ट्राई टू शो दैट सुपीरियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कि मैं आपको ऐसा फंड दूंगा, आपको बहुत अच्छा रिटर्न, सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा. अब वो इट्स अ वेरिएबल जो आप कभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते, टोटली वॉलेटाइल वेरिएबल है. और उस बेसिस पे अगर पिचिंग होता है तो प्लीज एज अ क्लाइंट दे शुड नॉट बाय इट. अगर किसी को अपना माल बेचना है वो बोलेगा ठीक है कि मैं आपको डबल डिजिट रिटर्न दूंगा, 40% रिटर्न दूंगा, दो साल में डबल कर दूंगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या ये लॉजिकल है, क्या अचीवेबल है, क्या सस्टेनेबल है क्या. तो यस, वी आर नॉट एट ऑल सुपीरियर टू एनीबडी एंड वी आर नॉट हियर टू प्रूव अवर सुपीरियरिटी. और वो क्यों नहीं, उसका बहुत सिंपल हमारा लॉजिक है कि इफ आई ट्राई टू प्रूव माई सुपीरियरिटी इट इज एट द कॉस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स मनी. सी, पैसा मेरा क्लाइंट लगा रहा है, राइट? अगर वहां पे कोई भी आउटकम आता है, अगर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको मिलता है. अगर पैसा ग्रो होता है तो उसका है, पैसा कम होता है तो उसका है. एंड वी डोंट वॉन्ट टू बी द पीपल जो लोगों का पैसा कम करे. तो हम ये परफॉर्मेंस चेजिंग में इसीलिए नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस चेजिंग से क्लाइंट का ही नुकसान है, क्योंकि मैं क्लाइंट के पैसे पे रिस्क, अननेसेसरी रिस्क ले रहा हूं जो मेरे फिड्यूशियरी के अगेंस्ट, जो पैसा मेरा है ही नहीं. वी आर नॉट द ओनर. हम इसीलिए ये AUM गेम में नहीं होते कि हमारा ये AUM है, मेरा पैसा नहीं है. आई एम जस्ट अ सपोर्टिव रोल. ये मेरे क्लाइंट का सब पैसा है, राइट? तो मेरा फिड्यूशियरी ड्यूटी है, आई एम अ केयर टेकर. आई एम लाइक अ वॉच डॉग. आई एम लाइक अ पिलर ऑफ क्या बोले उसको, लाइक अ स्पॉटलाइट और यू नो जो रास्ता दिखाए. तो वी आर नॉट सुपीरियर, वी आर हियर नॉट टू कम्पीट, बिकॉज कॉम्पिटिशन क्रिएट्स कन्फ्यूजन. वेन आई कम्पीट, क्लाइंट को ये बोलता हूँ मेरा सजेशन बेटर है उससे या मैं बेटर हूँ उससे, आई एम क्रिएटिंग कन्फ्यूजन. एंड कन्फ्यूजन रिजल्ट्स इन टू टेकिंग बैड डिसीजंस विच रिजल्ट्स इन टू बैड आउटकम्स. वी आर हियर टू कॉम्प्लीमेंट. बहुत क्लियर लाइन है, कॉम्पिटिशन क्रिएट्स कन्फ्यूजन एंड कॉम्प्लीमेंटिंग creates wealth creation. I am here not to create confusion. I am here to do value addition, and that I can only do if I act as a complement, not as a competitor. So no, we are not superior, nor we make any promises ki jumbo wealth koi hai jo aapko kuch super duper return de dega ya sabse best performing fund aapko identify karke de dega. Haan, time and again we have been, many times we have taken very good calls, tactical calls in our client portfolios, be it small cap, be it pharma. 2018 में कोई pharma की बात नहीं करता था, 13 में कोई small cap की बात नहीं करता था, 2004 में hardly कोई equity की बात करता था. So but there also we feel that we were lucky. हमने काफी successful investment call दिए and clients have made really good money, but मैं बोलता हूँ वो lucky है. And वो luck क्यों है? Luck is what? Luck is an outcome of a well-defined process. हमने रिस्क पे फोकस किया था, that's why we were able to take this opportunity. Right? Luck is nothing but being at the right place, at the right time.
एंड एट द सेम टाइम बी अवेयर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. दैट इज वाई वेरी फ्यू पीपल आर लकी एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड. वी हैव वेरी गुड क्लाइंट्स एंड हमें तो काफी चीजें हमें सीखने को मिली है. लॉट ऑफ लाइफ लेसन्स, लॉट ऑफ मनी लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम क्लाइंट एंड वी इम्प्लीमेंटेड. और हमारा काम वही है कि उसको हम एम्पलीफाई करके और लोगों को स्प्रेड करें. अगर मेरा क्लाइंट, इफ वन ऑफ माई क्लाइंट इज डूइंग समथिंग वेरी गुड, इफ आई एम एबल टू लर्न फ्रॉम इट एंड आई एम एबल टू इम्प्लीमेंट टू अदर ऑफ माई क्लाइंट, माई पर्पज इज सॉल्व. जो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ कि भाई टू अचीव सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इज इजियर देन मोस्ट पीपल रियलाइज. सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट डिलीवर करना बहुत इजी है, सुपीरियर रिटर्न डिलीवर करना वो तो माइथोलॉजी ही है. सो वी फोकस मोर ऑन रियलिज्म, रियलिस्टिक रिटर्न, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे का राज है सेटिस्फाइड क्लाइंट, जो वैल्यू एडिशन से अचीव किया जा सकता है. दूसरा, व्हाट वी बिलीव इज कि इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू बी सिंपल. हम जो हमारे प्रोसेसेस भी रखते हैं ना, वी ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. वी डोंट वॉन्ट टू कंफ्यूज विद बिग जागन्स, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस. या आज वेन वी वर्क ऑन AI, वेन वी वर्क ऑन ऑल दिस प्लेटफॉर्म एंड ऑल, सो देर आर गुड मेंटर्स टू मी. सो ही टोल्ड मी कि वॉट इज क्लाइंट बेनिफिट इन दिस बाई एक्सप्लेनिंग डेटा साइंस या ये प्रोबेबिलिटी आउटकम या ये सब क्या क्लाइंट. योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी सिंपल, वेरी क्रिस्प एंड इट शुड हैव सम वैल्यू एडिशन मैसेज टू दैट जिससे सामने वाले को फायदा हो. एंड दैट हैज बीन टॉट अगेन बाय अ ब्रांडिंग एजेंसी. सो आई से आई एम अ लर्नर, आई कीप ऑन लर्निंग. तो राजेश भाई से हमने जो सीखा वो वही सीखा कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कैसे सिंपली तरीके में समझाए. एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर मुझे आज कॉम्प्लिकेटेड वीडियो बनाना हो तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मुझे एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट का वीडियो बनाना हो और उसको सिंपल उसमें समझाना हो, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बट वो जब बनाते हैं तब हम इतना रियलाइज करते हैं, हमारी जो स्किल्स इंप्रूव होती है एंड वी आर एबल टू एक्सप्लेन पीपल इन मच सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज. तो हम कोई कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स नहीं यूज करते, हम कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजीज नहीं यूज करते एंड वी नेवर मार्केट एनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी. अगर कोई प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उसको मार्केट नहीं करता. वी टेल अवर क्लाइंट ऑल्सो दैट यू ओनली इन्वेस्ट इफ यू अंडरस्टैंड. माई जॉब इज टू एक्सप्लेन 10 times, 15 times, 20 times. यू कॉल मी 4 times, आई विल कम. बट इट डज नॉट मीन कि देर इज एन ऑब्लिगेशन कि अब इतनी बार अगर आपने मिथुन को धक्का खिलाया है तो उसको इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा. नो, देर इज नो ऑब्लिगेशन. दिस इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू कम एंड एक्सप्लेन. और अगर नहीं कोई समझ पा रहा है तो इट इज माई लिमिटेशन, नॉट दैट पर्सन्स लिमिटेशन. सो वी टेल क्लाइंट कि अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में आता हो इन अ सिंपल मैनर और अगर ये प्रोडक्ट आप अपनी फैमिली को समझा पाते हो ना, तो ही इन्वेस्ट करो, एल्स डोंट इन्वेस्ट. एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज ट्राई कि वी कीप ऑन एक्सप्लेनिंग पीपल वॉट वी आर डूइंग इन दैट पोर्टफोलियो. हमारी ये प्रैक्टिस नहीं है कि ये मैंने बोला आप इन्वेस्ट कर दो, डोंट आस्क मी, ये चार स्कीम है आप, ये मैं इस पर एक्सपर्ट हूँ या ये मेरा फील्ड है, आप इसमें कर दो आपको फायदा होगा. नो, वी डोंट बिलीव इन दैट. We want to explain it, we want to make it understand, we want to make it simple and we want to make it customized to their need. Because money is unique for every person. Har bande ka financial problem unique hai. Aur har bande ka money ko understand karne ka process unique hai, system unique hai, samajh sakti unique hai. So, when it is so unique, we cannot have standardized products. I cannot have कि भाई ये एक चीज़ है मैं सबको दे दूँ. I we come and get investment call from an AMC. We would not go and directly market to everybody. We would try to understand कि इसको मैं suitability में कैसे convert करूँ, इसको मैं कैसे optimize करूँ ताकि वो जो specific मेरे client का जो problem है, उसमें वो solution की तरह बैठे, product की तरह नहीं.
And that was the entire reason we developed this platform. It's a beautiful platform which is completely focused on providing ultimate solutions. And I'm very happy. I personally am very happy. After a long time, I'm very proud of myself. Otherwise, I'm a person who always have a lot of self-doubt. It's a professional hazard. We focus more on risk management. So, we always ye sochte hain bura kya ho sakta hai. Client jab invest karta hai na, he only looks at the upside. Hamara kaam hai ki hum ye bhi dekhe ki agar ye outcome positive nahi hua, to negative kya impact kar sakta hai. Agar mera plan A fail hota hai, to plan B kya hai? Aur plan B fail hota hai, to mera plan C kya hai? So I am paid to have those A. कि जहां पे लोग सोचना खत्म कर दे वहां पे हम सोचना चालू करें, वो मेरी स्किल नहीं है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वेयर पीपल स्टॉप थिंकिंग इज वेयर जंबो स्टार्ट थिंकिंग, एंड दैट इज नॉट जंबोज एक्सपर्टीज, दैट इज जंबोज ड्यूटी. एंड द डे जंबो फेल्स टू डू दैट, आई विल बी द फर्स्ट टू क्लोज डाउन जंबो, राइट. तो ये जब हमने प्लेटफॉर्म बनाया, हमने ये क्यों बनाया, व्हाट वी अंडरस्टैंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर देयर वन विच वी ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस, और सर्टेन प्रॉब्लम्स हमारे साइड से होते हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स इज फ्रॉम द इन्वेस्टर साइड. तो लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टर साइड, व्हाई पीपल डोंट हैव गुड एक्सपीरियंस विद गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स या वेरी गुड एसेट क्लास. I am not marketing her equity. I am a staunch believer of equity. But at the same time, for me, each and every asset class is important and have their role. Right? So, equity is one of the asset class jisne outrightly bahut achhi wealth create ki hai compared to any asset class. Aap real estate bhi pakad lo, to sorry, but equity is better in many ways. Right? Then also, why people have such bad experiences? और I feel कि कहीं पे जो problems है वो बहुत एक people don't know their risk taking capacity और advisors don't give ample time. I'm sorry, I'm using word advisor. I should be using distributor word because we are a mutual fund distributor and we are not allowed to be called ourselves as advisor. And we believe that compliance follow करना चाहिए. जो भी गवर्नमेंट ने बोला है सही है गलत है वो हमारा काम नहीं है. रेगुलेटर ने अगर कुछ बोला है हमें उसको समझना है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट. सो आई विल कॉल माई सेल्फ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर. तो मेनी टाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो डोंट गिव एम्पल टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लाइंट, एंड दैट इज वेयर दिस प्लेटफॉर्म एक्सीड्स. इज द फर्स्ट स्टेप is risk taking capacity analyzing. उसके आगे आप कर वो platform करने ही नहीं देगा. और बहुत simple process है. आप you go to our www.jumbowealth.com, आप login में चाहिए, sign up कीजिए. sign up में कुछ नहीं, आपको सिर्फ आपका email ID, नाम, mobile number देना है, right? There is no cost to it, right? Once you log in, आप सिंपली अब हमारा बहुत सिंपल रिस्क क्वेश्चनर है, वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस एंड वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हमने कोई साइकोमेट्रिक एनालिसिस यूज नहीं किया है क्योंकि हम कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, हम कोई सीबीआई नहीं है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट और ये टेस्ट और वो करे, राइट. एंड आई फील दैट रिस्क अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी मेजर करना काफी हद तक मुमकिन है. तो ये पूरे क्वेश्चन है वो हमने बहुत प्रैक्टिकल बनाए हैं. आप उस क्वेश्चन को आंसर कीजिए एज पर योर सुटेबिलिटी, क्या विच इज द मोस्ट सुटेबल आंसर. देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, ऑल आंसर्स आर राइट विच इज सुटेबल. जस्ट डू दैट एंड इट विल टेल यू योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. मेजोरिटी क्लाइंट्स और मेजोरिटी इन्वेस्टर्स, नॉट क्लाइंट्स बिकॉज माई क्लाइंट्स नो, राइट. Majority investors fail only because this prime exercise is not risk taking capacity. Fancy risk question. The biggest stupid question which I feel ke agar market 20% gira to aap kya karoge, us pe se I am trying. One of the questions that comes in many of the risk profiler is like this: agar market 20% gir gaya to aap kya karoge.
अब दैट इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क व्हाई, बिकॉज उसका आंसर इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द करंट सिनेरियो। अगर तेजी है तो क्लाइंट बोलेगा आई एम टोटली फाइन, अगर मंदी है तो उसका आंसर अलग होगा। एंड ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट विजुअलाइज पेन, दे कैन ओनली एक्सपीरियंस पेन। वी कैन बी एज अ मेल, कैन एनी मेल से कि यस आई कैन एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डिलीवरी? वी कैन विजुअलाइज, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस। ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिजाइन टू विजुअलाइज पेन, वी कैन ओनली एक्सपीरियंस पेन, राइट? सो आई फील इट इज नॉट अबाउट, बट आई फील इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। दूसरा ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपको 100 रुपए पे 150 रुपए बनाने हैं, तो आर यू ओके लूजिंग 10 रुपीज? जब मैं आपको एक 50 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा हूं तो आप बोलोगे ना ठीक है 10 रुपए जाते तो 10 से आते तो 50 है। रियल लाइफ में ये सिनेरियो नहीं वर्क करते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल और बहुत सुटेबल है। जस्ट सिलेक्ट अ सुटेबल क्वेश्चन एंड यू विल नो योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दैट इज फर्स्ट। अगर एनी पर्सन डज दिस रिस्क टेकिंग एक्सरसाइज, आई गारंटी ही विल हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ हिज इन्वेस्टमेंट आउटकम, राइट? दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, वी डोंट नो अवर ड्यूरेशन, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन ही पता नहीं होता कि हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। व्हेन मेनी टाइम लॉन्ग टर्म, व्हाट इज लॉन्ग टर्म? एडवाइजर के पास भी क्लियर आंसर नहीं है लॉन्ग टर्म क्या है। परफॉर्मेंस 3 साल का अच्छा है तो 3 साल लॉन्ग टर्म हो गया, 3 साल का कम है तो 5 साल लॉन्ग टर्म हो गया, 5 साल का कम है तो 7 साल लॉन्ग टर्म हो गया। उसी तरह इन्वेस्टर का भी कोई आइडिया नहीं है, वो बोलते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, बट व्हाट इज लॉन्ग टर्म? 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, नो आइडिया। सो पीपल डोंट डू इनफ एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। यानी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन यानी कि ये पैसा जो आप आज खर्च नहीं कर रहे हो और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप उसका व्हाट इज योर फ्यूचर यूज, वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस मनी, पीपल आर नॉट क्लियर अबाउट इट। एंड बिकॉज दे डोंट नो द एंड आउटकम कि भाई मैं ये पैसे से क्या करूंगा, मुझे 20% रिटर्न बनाना है, मुझे 50% रिटर्न बनाना है, बट मुझे ये पता ही नहीं कि बनाने के बाद मैं ये पैसे का क्या करूंगा, देन इज अ कंप्लीटली इलॉजिकल बिहेवियर, राइट? सो वी शुड नो व्हाट इज द एंड यूज ऑफ आवर मनी, फ्रॉम दैट विल कम टू नो द ड्यूरेशन। तो अगर आपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कर लिया अपना, इफ यू हैव एनालाइज योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, दूसरा आपने आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन डिसाइड कर लिया, यानी कि एंड यूज, व्हाट इज द एंड यूज ऑफ दिस मनी, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आई गारंटी यू यू विल डेफिनेटली एक्सेल एज एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट की रेस में सब भाग रहे हैं, सबको फर्स्ट आना है, मगर रेस में सिर्फ भागना जरूरी नहीं, इन्वेस्टमेंट की रेस में जीतने के लिए जरूरी है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और अपने रिस्क प्रोफाइल को समझना, और ये समझकर भागने से जीत को सुनिश्चित किया जा सकता है। और ये जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, तो मेजर वो जो प्लेटफॉर्म है उसका काम ही ये है टू हेल्प यू आइडेंटिफाई योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड टू हेल्प यू टू डिटरमाइन द एंड यूज एंड द ड्यूरेशन। ये मेजर दो रीजन है व्हाई पीपल डोंट हैव फेवरेबल आउटकम इन द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एस्पेशियली वोलेटाइल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। सो एंड आफ्टर दैट, ये आइडेंटिफाई करने के बाद भी डिसिप्लिन इज अ वेरी बिग चैलेंज। एक तो लोग पीपल डोंट प्लान, इफ दे प्लान, और एडवाइजर डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दिस प्लानिंग पार्ट, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। हमारा एवरेज, हम जब क्लाइंट को मिलते हैं, हम पहले मीटिंग में कभी प्रोडक्ट की बात नहीं करते, पहले दूसरे तीसरे शायद तीसरे चौथे मीटिंग से भी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, राइट? क्यों? क्योंकि जब तक हम समझे नहीं क्लाइंट को, जब तक हम उसकी नीड को जाने नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट और व्हाट इज द सूटेबल प्रोडक्ट फॉर द क्लाइंट। मंजिल पे पहुंचना आसान नहीं होता, कई कठिनाइयों के बाद गिरते पड़ते संभलते आखिरकार आगे बढ़ते रहने से एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। बट मेजोरिटी टाइम आइदर क्लाइंट को इंपेशेंट है, या मेनी टाइम्स इवन डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इंपेशेंट एंड दे डोंट एक्सरसाइज दिस, दे डोंट मेक अ प्लान। सी वी शुड हैव अ प्लान, आफ्टर प्लान एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपने प्लान बहुत अच्छा बना लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो मतलब क्या है? आपको घर बनाना है, बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट बनवा लिया, बेस्ट आर्किटेक्ट है, फिर आपने वो घर बनाने का काम ही नहीं चालू किया तो देयर इज नो मतलब. सो यू हैव टू स्टार्ट. आफ्टर स्टार्टिंग यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. तो जंबो वेल्थ का जो अवर रोल एज अ जंबो वेल्थ इज टू कीप यू ग्राउंडेड टू योर गोल. क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स देयर विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे. ग्रेटिफिकेशन की वजह से हो सकता है, मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ छाप दिया, कोई स्कैम हो गया, तो कहीं ना कहीं काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. हमारा काम है कि ये डिस्ट्रैक्शन के बीच में आपको जस्ट लाइक अ गूगल मैप आपको एंड डेस्टिनेशन दिखाते रहे कि हमारा तो डेस्टिनेशन ये है. दूसरा, वी हैव टू एडॉप्ट. आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में ये है कि हाउ डू वी रिएक्ट और डू वी एक्ट. क्या हम रिएक्ट करते हैं, क्या हम एक्ट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी फोकस के क्लाइंट रिएक्ट ना करे और हम एक्ट करें और वी एडॉप्ट टू द आउटकम, ताकि वी ऑलवेज आर इन पोज टू आर डेस्टिनेशन. सो सिंपली इट इज अ सिंपल टास्क विच वी कीप ऑन डूइंग रिपीटेडली, राइट. दूसरा, हमारा मेजर जो ड्रीम है, सी पीपल टेंड टू सेक्रीफाइस स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस फॉर सम बिग हैप्पीनेस. दो तीन चार पांच आठ बड़े ओकेजन के लिए हम सैकड़ों हजारों लाखों छोटे छोटे हैप्पीनेस मोमेंट गंवा देते हैं. एज जंबो वेल वी वॉन्ट के क्लाइंट शुड बी फ्री टू एंजॉय ऑल दो स्मॉल स्मॉल हैप्पी मोमेंट्स. बिकॉज ये स्पेशल मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो कितने होते हैं हमारी लाइफ में? स्ट्रेस, वर्कलोड, प्रेशर, इन सारी चीजों की वजह से हम जिंदगी की उन छोटी छोटी पलों को एंजॉय करते ही नहीं जिसे शायद हमें एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आएगी. राइट. आप अपने वाइफ के साथ सेलिब्रेट एनिवर्सरी कितनी करोगे? 10, 15, 20, 25. बट एवरी डे अ कप ऑफ टी, अ स्माइल इज ए ब्यूटिफुल मोमेंट. बट वी हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अवर क्लाइंट्स और वी आर नॉट एबल टू एंजॉय दैट ब्यूटिफुल मोमेंट्स. तो हमारा जो विजन है ना, वो सिंपल यही है कि मैक्सिमम पीपल शुड बी एबल टू एंजॉय दिस स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस मोमेंट्स जो लाखों है. हमें बड़े मोमेंट्स भी कैप्चर करने हैं, चेज करने हैं, पर उसमें हमें छोटे छोटे लाइफ एक्सपीरियंसेस को नहीं गंवाना है. एंड सो आवर एफर्ट इज के हाउ वी कैन एड वैल्यू टू द फाइनेंशियल जर्नी ऑफ आवर क्लाइंट. वी ऑल आर इन दिस फाइनेंशियल जर्नी. हर कोई अपना फाइनेंशियल जर्नी में है. सो वी जस्ट वॉन्ट टू बी अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन टू दिस जर्नी. एंड वापस बोलते हैं कि हीरो तो हमारे क्लाइंट ही है, वी आर नॉट हीरो. दूसरा, जो मैंने काफी देखा, समझा, जाना, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो यू नो लाइफ में बड़े बड़े ब्लंडर्स या बड़ी मिस्टेक किसने की है पता है? सबसे इंटेलिजेंट आदमी ने ही सबसे बड़ी मिस्टेक्स की होगी. एवरेज ने कभी बड़ी मिस्टेक नहीं की होगी. एंड हिस्ट्री इज फुल ऑफ दिस. यू नो द जितना आदमी जितना ज्यादा इंटेलिजेंट है ना, वो उतनी बड़ी मिस्टेक करता है. तो वी एट जंबो वेल्थ वी डोंट वॉन्ट टू एक्ट और वी डोंट वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट वी आर ब्रिलियंट. अगर इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना है ना, तो वी डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट. सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट अवॉइडिंग मिस्टेक्स रादर देन ट्राइंग टू बी ब्रिलियंट. और इसीलिए नेवर वी ट्राई टू कमेंट ऑन एनी पॉलिटिकल पार्टी क्या आउटकम आ सकता है. अंबानी कौन से नए प्रोजेक्ट करेंगे, उसे क्या होगा. यू पीपल टू लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड पीपल ट्राई टू बी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा. हमें तो समझ में नहीं आता बहुत सब चीज, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इट मैटर्स. वी आर ऑलवेज फोकस दैट वी शुड अवॉइड मिस्टेक्स एंड वी शुड नॉट कमिट ब्लंडर्स रादर देन ट्राइंग टू बी स्पेंड टाइम बिकमिंग ब्रिलियंट. माई अवॉर्ड इज नॉट सम टीवी और सम ट्रॉफी और सम
माय अवॉर्ड इज दैट सिंपल पीस एट विच माय क्लाइंट शुड गो टू स्लीप। सही मायने में वर्क सेटिस्फेक्शन क्या है? पीस। आपका क्लाइंट आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड होके चैन की नींद सोए, वही असली वर्क सेटिस्फेक्शन है। हम हर क्लाइंट को वही बोलते हैं कि हमारा काम जो है वो स्ट्रेस ऐड करना नहीं है। एवरीबॉडी इज ऑलरेडी टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस व्हेन इट कम्स टू अर्निंग मनी। और अगर मैंने ऐसा पोर्टफोलियो बना दिया जो उसमें स्ट्रेस ऐड करता है तो उसका मतलब क्या है? आई एम जस्ट एडिंग स्ट्रेस। आवर जॉब इज टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड दैट इज व्हाई वी फोकस मोर ऑन रिस्क, वी फोकस मोर ऑन अवॉइडिंग मिस्टेक्स रादर देन ट्राइंग टू फाइंड सम बिग वेल्थ क्रिएटिंग आइडिया और समथिंग लाइक दैट। I feel that when I go to sleep, I should have a sound sleep. I should not have a second thought, even if the market corrects by 10%, 20%. And believe me, I very soundly go to sleep. Why? Because I know I have worked hard and I know that my clients' money are well protected, are safe, or I have not communicated any wrong thing or wrong promises to my client. And by far our clients भी even if there are big corrections I never get a call। मैं मुझे याद नहीं है कब किसी ने मुझे फोन किया हो कि यार अब क्या करें कैसे करें। तो यू नो मैनी टाइम्स जब हम फैटर्निटी में मिलते हैं तो होता है कि यार मेरे पे फोन आ रहे हैं मैं क्या करूँ, यार क्लाइंट तो हमारा बहुत डर रहे हैं, समझते नहीं है, इतनी बार समझाते हैं कि करेक्शन तो आता रहता है, समझते नहीं है। सो लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आई सी। मेरे को लगता है यार मैं काम ही नहीं कर रहा हूं क्या, घर पे बैठा हूं क्या, धंधा ही नहीं करता हूं क्या, मुझे फोन ही नहीं आते। सो देन आई फील हैप्पी आल्सो। इनफैक्ट मुझे तो फोन आता है कि क्या पैसा ऐड करें क्या, शुड वी ऐड मनी, मार्केट इज करेक्टेड राइट। सो दैट इज अ वेरी गुड पार्ट एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन दिस प्रोफेशन। आई थिंक इससे नोबल कोई प्रोफेशन नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आई एम डूइंग सम वैल्यू एडिशन। नो आई एम learning a lot and I am just passing on that knowledge to as many people as possible. I am just a mediator. Distributor kya hota hai? I remember when I was into this business, I am a chartered wealth manager, I have a lot of qualifications now, but when I started I was like I left my CA internship and my family is full of CAs, like my aunt, my uncle, my father, my grandfather. तो एनी सोशल ओकेजन लाइक यू नो इट वॉज लाइक अरे ये तो बेचारा एजेंट है यार। बिकॉज गलत नहीं है, लोग भी गलत नहीं है। पीपल यूज टू थिंक कि अगर आदमी कुछ नहीं करता ना तो एल आई सी एजेंट बनता है, म्यूचुअल फंड एजेंट बनता है। दैट इज द इम्प्रेशन दैट सोसाइटी हैड इन 2004। आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट टाइम वेंट टू यूएस आई सीरियसली थॉट दैट आई एम इन अ रॉन्ग कंट्री। मेरे को लाइफ में बिकॉज देयर फाइनेंशियल प्लानर बोल दो या फाइनेंशियल कोच बोल दो, दे हैव लॉट ऑफ वर्ड्स टू दैट, बट इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे उसमें भी आई फील क्लाइंट की तो गलती नहीं है। लोगों ने पॉलिसी ही बेचा है ऑब्लिगेशंस पे, गंदे फॉलोअप्स पे, कमिटमेंट्स पे, तो फिर कैसे इंप्रेशन अच्छी रहेगी? तो कहीं उस टाइम आई टुक इट एज अ चैलेंज। This should be looked as a profession, not as some agent, and that helps us. And so we say we are professionals, हमको agent. If someone is treating us like agent, no, we don't work with. हमारा many times we very silently move out. हम कई बार कई call पे जाते हैं with lot of expectation कि अगर ये हमारे client बन जाएंगे ना, we'll be wow, you know, addition not. इन टर्म्स ऑफ के वो बड़ा इन्वेस्टमेंट देगा, हमारा होता है कि आई वॉन्ट टू एड मोर एंड मोर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स, तो हमारा नॉलेज बेस बढ़े। बट देन जब हम रियलाइज करते हैं, वी स्पेंड टाइम विद देम, हमें लगता है कि नहीं उनका और हमारा थिंकिंग ही अलग है, तो हम बहुत साइलेंटली निकल जाते हैं, वी स्टॉप फॉलोइंग। बिकॉज वो बोला जाता है ना कि यू शुड नो विच बॉल यू शुड नॉट प्ले। सो अगेन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में ये भी है, वी कैन टू एड a very suitable client to our portfolio. We don't want कि हर कोई हमारा client बने, नहीं हमारा capacity ही नहीं है। तो coming back, it was always looked upon as
कि भाई यू नो ये तो एजेंट है, ये तो ये है. इट वॉज लाइक ओके वो नहीं हुआ तो नाउ आई वुड नॉट गो एंड टेल के नो इट वॉज माई पर्सनल चॉइस नॉट टू चेंज दैट प्रोफेशन. टूडे आई हैव मोर क्वालिफिकेशन देन सी ए डिग्री बट आई कुड हैव डन दैट ऑल्सो. इट वॉज नॉट अ चैलेंज फॉर मी, यू नो आई डोंट थिंक सो, नॉट एट ऑल. बट इट वॉज अ मैटर ऑफ दिस ड्राइव मी, आई वॉज पैशनेट. मैं जब आर्टिकलशिप में जाता था ना तो आई वॉज पैशनेट टू सी दैट बिजनेस. आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ, माई फादर हैज सुपर्ब क्लाइंट्स. क्लाइंट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ बिग बट सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन द एक्सेलेंट एक्सेप्शनल पीपल. द क्लाइंट्स विच माई फादर हैव दे आर टूडे लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट दे आर माई क्लाइंट्स बिगेस्ट, माई फादर्स बिगेस्ट क्लाइंट. दे आर एक्सेप्शनल पीपल, एक्सेप्शनल पीपल एंड दे हैव एक्सेप्शनल स्टोरी. आई यूज टू, मैं ऑडिट पे जाता था ना तो मैं उनके जो प्रमोटर सीएमडी, आई यूज टू हंट दिस स्टोरी के वो कौन थे, कैसे स्टार्ट किया था, वॉट वर देयर चैलेंजेस, हाउ दे आर लुकिंग एट द मनी, कहाँ पे, हाउ दे आर सीइंग मनी, वो सब मुझे बहुत फैसिनेट करता है. सो बिजनेस यूज टू अट्रैक्ट मी अ लॉट, नॉट एज एन बट आई डिडंट वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ दैट बिजनेस एज एन ऑडिटर. सो मेरा पैशन था कि मैं बिजनेस ओन करूँ, मैं इन्वेस्टर बनना मेरा ज़्यादा पैशन था. बिकॉज वी डोंट बिलोंग फ्रॉम अ बिजनेस मैन फैमिली, तो बिजनेस कैसे किया जाता है ना वो तो देसाई, इट्स वेरी, आई एम फ्रॉम देसाई कम्युनिटी एंड इट इज सेड के देसाई लोग बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है. राइट नाउ द न्यू जनरेशन इज डिफाइंग इट. आई एम सीइंग वेरी गुड बिजनेस मैन हुआ देसाई डूइंग एक्सेप्ट, बट एट दैट टाइम देयर वॉज अ थिंग एंड सम ऑफ वी नेवर हैड अ बिजनेस बैकग्राउंड. बट बिजनेस समझना मुझे बहुत पसंद था एंड आई ऑब्जर्व माई फादर ऑल्सो, ही वॉज ऑल्सो वेन ही यूज टू प्रैक्टिस एज अ सी ए, वो सिर्फ टैक्स या ये नहीं, वो ओवरऑल देखते थे क्लाइंट का, अ स्टेप अहेड, वॉट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. ही वुड से आई वॉन्ट टू डिलीवर दैट ऑल्सो बिकॉज ही फेल्ट इट इज अ फिड्यूशियरी ड्यूटी. क्लाइंट को नहीं पता है और उसका जवाबदारी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं करना है. एंड सेम चीज वी इम्प्लीमेंट कर, वी ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू दैट एक्स्ट्रा माइल. हम जब इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना तो हम ये नहीं सोचते कि कोई हमारा टारगेट अचीव हो रहा है या एक चेक कट के आ रहा है. हम तो समझते जब तक क्लाइंट मेरे से इन्वेस्ट नहीं करता ना, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मैं गया, उनको बात की, दो तीन बार मेरी पसंद आई, कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, एक पहचान हुई, हम चले गए. मेरा काम चालू होता है जब क्लाइंट मुझे एक चेक देता है या मेरे थ्रू कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट परचेज करता है. दैट इज वेन माई एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स बिकॉज नाउ ही हैज ट्रस्टेड दैट मनी टू मी. और वो हमारे लिए वो काम कब खत्म होता है, जब वो पैसा वापस उसके बैंक अकाउंट में नहीं आता, तब तक वो मेरा ड्यूटी है. वी लुक एट इन दैट वे. सो वी लुक एट अ बिजनेस एज नॉट एज अ मीन टू अ प्रॉफिट बट एज अ मीन टू डिलीवर सर्विस. आई फील वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री. दूसरा, तो हम जब इन्वेस्टमेंट हम देखते हैं कि भाई क्लाइंट को क्या, आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या करोगे इस पैसे से, आगे क्या करने वाले हैं, वी ट्राई टू डीप डाइव. अगर हमें लगता है कि उनको व्हील की जरूरत है, हमें लगता है कि उनको कोई बिजनेस कंसल्टेंट की जरूरत है, या यू नो वी ट्राई टू गेट देम कनेक्टेड. एंड हम लोग उसमें वी डोंट लुक एट एनी रेफरल फीस, वो हमारा फोकस नहीं होता. हमारा फोकस ये होता है कि अल्टीमेटली ये पैसा अगर वो यूज नहीं करने वाले तो सेकेंड जनरेशन को प्रॉपरली जाना चाहिए, वो सेकेंड जनरेशन हमारे थ्रू इन्वेस्ट करे या ना करे. That is not the thing is, money should not be wasted because हर क्लाइंट का, आई एम श्योर आपका भी, इट्स अ वेरी हार्ड एंड मनी. हर कोई मेहनत करता है, वी आर नॉट स्मगलर्स. और मैं तो बोलता हूँ स्मगलर भी तो मेहनत करता है, रिस्क लेता है, फैमिली का रिस्क लेता है, जान का रिस्क लेता है. सो इट्स अ हार्ड एंड मनी, सो इट शुड नॉट गो टू अ टॉस जस्ट टू अचीव सम टारगेट और जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट और जस्ट टू शो दिस साइज और जस्ट टू इंक्रीज दिस साइज ऑफ माई बिजनेस. साइज में बात करूँ तो हम ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए लाए, वी वॉन्ट टू ग्रो बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. आई एम नॉट हंग्री टू बी द लार्जेस्ट प्लेयर और टू हैव सम एक्स एयूएम और वाई, दैट हैज नेवर बीन अ ड्राइविंग फैक्टर टू मी. एंड दैट इज वाई वी हैव नॉट बीन कई एम्स की वी आर नॉट अ गुड कैंडिडेट, क्योंकि हमारे लिए तो ड्राइविंग फैक्टर ही नहीं है. वी आर हंग्री टू लर्न मोर. आई वॉन्ट टू मीट मोर न्यू पीपल. आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम देयर लाइफ. I want to understand it, and in some way, if I can, I would definitely want to add a value, and or I want to be at least touch their life. I want to be a small story in their life,
उनका जो लाइफ का जो पूरा मूवी है ना, एक स्मॉल कैरेक्टर हमें बनना है उसमें, राइट? माय क्लाइंट इज माय हीरो, आई वांट टू बी स्मॉल कैरेक्टर इन दैट फिल्म. तो वी आर वेरी हंग्री. चैलेंज क्या होता है कि व्हेन वी ग्रो, इट इज एट द एनी डिस्ट्रीब्यूशन हाउस, व्हेन इट ग्रोज एट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर. कहीं ना कहीं नए क्लाइंट बनाने में पुराने क्लाइंट को हम उतना अटेंशन नहीं दे पाते. मैंने भी ये गलती, समटाइम्स वी फाइंड दैट आई हैव मेड अप अ पॉइंट. आज भी पीपल हु हैव गिवन मी 10,000 रुपीज, मुझे याद है मैं 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए रात को 10:30 बजे फॉर्म लेके गया हूँ, एंड आई स्टिल हैव दैट क्लाइंट विद मी, एंड आई स्टिल मैनेज हिज पोर्टफोलियो. आई एम एक्सेसिबल टू ऑल माई क्लाइंट. वो 1,000 रुपए के सेल भी करता हूँ या 10 करोड़, राइट? टूडे एंड नंबर ऑफ टाइम्स I have denied lakhs and crores of investment where I felt I could not do value or that client and my client हमारे thinking नहीं. मैंने I'm in a with God grace I'm in that position के I can deny कि नहीं मुझे ये business नहीं करना है. We are at that stage where we can say कि no I don't want to do this. So क्योंकि बहुत simple है कि my ambitions are very big but my happiness are very small and I'm very fortunate with that. I am a very foodie and I am able to afford all the tasty food. I am able to eat it with my family. I have a small and happy family. So my aspirations are very big but my happiness are very small. तो कहीं ना कहीं जब ये बात होती है तो हमारा जो focus यही है कि how we grow but not at the cost of existing client. मैं ये कैसे करूँ? अब आई कैन नॉट रेप्लीकेट, मैं क्लोन तो नहीं बना सकता लाइक स्टार वॉर्स. आई कैन नॉट हैव 1,000 lakhs ऑफ क्लोन्स और समथिंग लाइक दैट. एक्सक्यूज मी अगर आपको लगे, बट तो मुझे फिक्शन बहुत पसंद है. आई लाइक मार्वल, स्टार वॉर्स एंड ऑल दोज फिक्शन एंड ऑल, बिकॉज दैट इज द टाइम आई फील डिसकनेक्टेड. होल डे वी वर्क ऑन लॉजिक्स, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम, ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. And we have successfully solved so many of the problems. But kahin na kahin it takes a toll. It takes a toll on my thinking. It takes a toll on lot of things, right? Kyunki humare mein kahin pe wo, you know, it tries to, wo bahut sara logic. Anything in excess is poison. So that is where I love South Indian movies. And I watch it like a kid. I like Marvel movies, fiction movies. Mujhe serious movies pasand nahi hai. Because the whole day we are into this, right? एक चीज है, लेकिन मैं कितना भी काम करता हूँ आई नेवर फील स्ट्रेस्ड आउट. बर्न आउट मुझे नहीं लगा. ये बर्न आउट रेशियो व्हेन वी आर वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हेन वी आर सीइंग हाउ इट कैन बी इंपैक्टेड ऑन मेडिसिन एंड ऑल, तो ये वर्ड मुझे बहुत फैसिनेट किया कि लॉट ऑफ डॉक्टर्स है वो हाई बर्न आउट रेशियो, वेरी हाई बर्न आउट रेशियो. तो राइट, सो आई फेल्ट के मुझे बर्न आउट नहीं लगा. एंड वो रीजन है कि आई लव व्हाट आई एम डूइंग इट. एंड आई फील कि इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग इट, नो, आप पूरे दिन करोगे तो भी थकान नहीं. And I have seen it. We have clients, बोलते हैं ना, doctors have burnout ratio. We have clients, we have doctors who have worked like hell in this COVID time and in normal time also. उनका खुद के पैसे मैनेज करने का टाइम नहीं होता है. हमें कि सर आप 12 बजे बोलो ना, रात को 12 बजे पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं. बट ये जैसे नहीं, अभी नहीं, अभी मेरा पेशेंट है. सो एंड दे आर फ्रेश. आई हैव नेवर सीन देम टायर्ड इवन आफ्टर लुकिंग एट 300-400 OPDs, आई गो टू दोस. मैं नाम लेना चाहता हूँ बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाता हूँ. बट सो देर आर डॉक्टर्स, और वो इतना लाइक यू नो इन द मिड ऑफ द OPDs, और वो पूरा ऑपरेशन 6 घंटे का किया होगा, बैठेंगे पूछेगा मैं तो चाय पिया क्या, चल चाय पीते. एंड दे आर फ्रेश, ही इज कंसर्न वेदर आई हैव टेकन अ टी और नॉट, हाउ आई एम, ही इज लुकिंग रादर देन. So I feel that if you are passionate about what you are doing and if you love what you are doing, it's not thakan to nahi hoti. But ye, how do we solve this problem ke we keep on growing but not at the cost of my existing clients, and I cannot be omnipresent everywhere. I have to recruit new team members. How do I follow ke bhai wo yahi passion se kaam kare, yahi diggat se kaam kare, yahi focus se kaam kare. So we are implementing certain trainings aur wo sab bhi kar rahe. We are trying to communicate lot of things. In fact, our branding agency is also working on it to build up some culture ki wo passion, wo company, wo aage pass on ho. Jo ye jumbo
हमें जंबो एक कंपनी नहीं बनानी, जंबो एक इंसान बनाना है और जिसमें फीलिंग हो। आई डोंट वॉन्ट माई जंबो टू बी नोन एज अ कंपनी। कंपनीज डोंट हैव फीलिंग्स। आई माई ऑर्गेनाइजेशन आई वॉन्ट फीलिंग्स। वी हैव टीम, वी डोंट हैव स्टाफ मेंबर। हम मानते हैं कि माई ड्राइवर ऑल्सो मैनेजेस 100 crores, 100 crores, क्यों? He is taking me from one place to another place. He is somewhere helping me to manage those portfolios. Right? So I feel that even a pune in my office is managing my client money. Because if he doesn't drink good tea, then my mood will not go. Right? So everybody is a team member, and they all are committed towards client benefits. Right? So how do we grow then? The question was, हम कैसे grow करें? How do we keep adding people but we do not dilute the quality? जो हमारे राजेश भाई हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन मुझे बोली थी और वो मेरे दिमाग में फिट हो गई है कि we all are in the race to reach our height of inefficiency. हम हर कोई एक ही जगह पे फोकस है कि वो reach the level where we become totally inefficient. अब हमारे यहाँ क्या होता है, अगर वी बिकम इनएफिशिएंट, इट इज द कस्टमर हु सफर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, समवेयर वी वर वेरी कंजर्वेटिव इन ग्रोइंग, दैट इज द रीजन, क्योंकि अगर हमारी इनएफिशिएंसी बढ़ती है ना, उसका नुकसान मेरे क्लाइंट को होता है, मुझे नहीं होता है। यानी मुझे होता है इन अ वे, बट नॉट जो फर्स्ट कैजुअलिटी इज माई क्लाइंट। एंड दैट इज वेयर दिस एंटायर डेटा साइंस एंड एआई वेरी मच अट्रैक्टेड मी। और हमने जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है वो वही कि नाउ माय क्लाइंट वुड बी एबल टू डू ऑन हिज ओन, ही वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट फॉर हिम, हाउ ही शुड डू इट। हमें तो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में रहना है। तो क्योंकि मैं क्लाइंट को भी अक्सर बोलता हूँ कि सर मैं तो बोलता हूँ कि क्लाइंट फिड्यूशियरी हमारा मेन पार्ट है, क्लाइंट सेंट्रिसिटी, एंड टाइम एंड अगेन वी हैव प्रूव्ड इट टाइम एंड अगेन। आई कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन ओपन प्लेटफॉर्म कहाँ पर, बट टाइम एंड अगेन वी हैव प्रूव्ड इट। बट फिर भी हम क्लाइंट को बोलते हैं, सर आपको पता है आपका बेनिफिट, हु इज योर बेस्ट वेल विशर, और आपका बेनिफिट कौन एक इंसान है जो सबसे ज्यादा आपका बेनिफिट के बारे में सोचेगा? और हमारा जवाब ये होता है, वो आप खुद, यू आर योर बिगेस्ट वेल विशर, और आप कभी आप खुद के लिए गलत नहीं सोचोगे, राइट? तो वी वॉन्टेड कि हाउ माई क्लाइंट कैन डू मैक्सिमम थिंग बाई हिमसेल्फ, बट इन अ वे वेयर रिस्क इज मैनेज ऑप्टिममली, फोकस इज मेंटेन, डिसिप्लिन इज मेंटेन, एंड रिजल्ट्स आर डिलीवर्ड फायर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। माई 13-year-old डॉटर एंड माई 10-year-old डॉटर आर एबल टू बिल्ड अ MF पोर्टफोलियो विद दिस यूज ऑफ रोबोटिक्स, एंड फैंटास्टिक। जब दिस रोबोट क्लोज आउट दिस पोर्टफोलियो, तो मैं खुद सीखा कर रही यार ऐसे भी तो किया जाए। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग। जो पैरामीटर्स, जो एंगल्स, एज अ ह्यूमन ब्रेन हम इतने एंगल्स नहीं देख सकते जो एक मशीन देखता है, लेकिन एट द सेम टाइम मशीन्स आर थिंकिंग, लाइक उसको क्या बोलते हैं कि रोबोट इज अ थिंकिंग मशीन एंड ह्यूमन्स आर फीलिंग मशीन। तो वी कैन नॉट टेक आउट ह्यूमन। हमारा काम है एम्पैथी, हमारा काम है क्लाइंट का प्रॉब्लम समझने का, हमारा क्लाइंट कई बार काम है वो समझने का, सुनने का, राइट, रीजन करने का। इसलिए वी से इट्स एन हाइब्रिड, इट्स अ सिनर्जी ऑफ ह्यूमन एंड रैशनल इंटेलिजेंस। इसलिए हमने हमारे एआई को नाम दिया है श्री। श्री नाम देने का बहुत सिंपल रीजन है, एक श्री इज अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव वर्ड। वो आपके नाम के आगे लगता है, छोटा सा आगे लगता है, उसे वैल्यू ही एड होता है। जब नाम के आगे श्री लगता है, वैल्यू एड होता है, राइट? और उसका फुल फॉर्म है सिनर्जी ऑफ ह्यूमन एंड रैशनल इंटेलिजेंस, सिंपल, एंड दैट इज वाई वी केम अप विद दिस नेम श्री। सो ओवरऑल दिस प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली डिजाइंड इन सच अ वे दैट क्लाइंट सेंट्रिसिटी, क्लाइंट बेनिफिट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, इरिस्पेक्टिव। हम कल, इवन इफ नाउ आई ग्रो पैन इंडिया, आई एम कॉन्फिडेंट के नन ऑफ कोई मेरे प्रोसेस को ओवरलुक करके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, मेरा यानी मेरे कंपनी का जो भी प्रोसेस है, जंबो वेल्थ का जो प्रोसेस है, that process is now immortal and it has improved tenfold because of this, and that's why we have spent huge amount, but we are very happy and we are very thankful.
कि हमने ये एक्सपेंस किया और हमने ये बिल्ड किया, राइट? सो द एंटायर प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड ओनली एंड ओनली ऑन रिस्क एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोटोकॉल, हम जिसको बताया क्रॉप, CROP, क्रॉप या फोटोग्राफ। वो जो पीछे जो अननेसेसरी बंदा है उसको निकालो, जो अपने फैमिली मेंबर उसका क्रॉप फोटो रखो, नंबर सेम, मैनेज रिस्क, रिड्यूस द कॉस्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाउ वी आर एबल टू डिलीवर एफिशिएंट मैकेनिज्म इवन टू अ पर्सन डूइंग 1,000 rupees SIP वुड नॉट बी लेफ्ट आउट। द क्वालिटी डिलीवर्ड टू हिम विल बी एट पार विद समथिंग डिलीवर्ड टू अ पर्सन डूइंग 1,00,000 rupees SIP और इन्वेस्टिंग 1 crore। वो हमारे लिए चैलेंज भी हुआ, जो हम बड़े पोर्टफोलियोज में 1 crore, 5 crore, 10 crore, 15 crore के पोर्टफोलियो में जो हम स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करते थे, थ्रू दिस डेटा साइंस AI वी वर एबल टू डेमोक्रेटाइज इट, वी वर एबल टू मेक इट अवेलेबल इवन फॉर समवन इन्वेस्टिंग 50,000 rupees। अब प्रॉब्लम आके ये खड़ा हुआ कि चलो अब जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसका तो फायदा हो गया, बट स्मॉल इन्वेस्टर और जिसका बड़ा है अब उसको क्या करें, उसका चैलेंज अलग है, उसका थिंकिंग अलग है। उसको हमने कुछ कस्टमाइज करके फ्रेम करके 50,000 के लिए सेट कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, आज 1 crore का पोर्टफोलियो इतना ब्यूटीफुल नहीं बन सकता जितना एक 50,000 का पोर्टफोलियो हमारे प्लेटफॉर्म पे बने। इट्स एन ओपन चैलेंज, वी आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज, राइट? सो देन दैट पुट अप दैट टू कवर, एंड आई लव चैलेंजेस, आई लाइक टू एक्सीड माई ओन सेल्फ। एंड वेरी सून वी आर ब्रिंगिंग आउट सम superb solutions for H&I. Again, industry first, very different, but at the same time, it's very simple. When people will say, अरे ये हमने नहीं सोचा क्योंकि आपने feel नहीं किया। The day a person feels the problem, the day a person feels the emotion of their client, he will innovate by himself. You don't need an outside force. We feel our client's emotion, right? If they are happy, we are happy. If they are sad, we are sad. बहुत सिंपल हमारा जो ये। किसी महान इंसान ने कहा था, मुन्ना परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो, पॉजिटिव माइंडसेट का पीछा करो, परफॉर्मेंस जख मार के तुम्हारे पीछे आएगा। दूसरा ये है कि ये जो एंजाइटी है ना टू जनरेट हाईएस्ट रिटर्न, दैट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टेकिंग क्रेजी रिस्क। दिस एंजाइटी मुझे आज भी समझ में, आज भी हमारे इंडस्ट्री और मेजोरिटी पीपल आर सो मच फोकस ऑन जस्ट चेजिंग हाई परफॉर्मेंस, और ये जो एंजाइटी क्रिएट करता है ना, विच रिजल्ट्स इनटू टेकिंग अनड्यू क्रेजी रिस्क। एंड टाइम एंड अगेन आई हैव सीन एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट पीपल मेकिंग ब्लंडर्स एंड टेकिंग अननेसेसरी रिस्क इन देयर ओन पोर्टफोलियो एंड इन अदर्स पोर्टफोलियो। So that is the reason we stay away from this high performance, high return game. Once I went to meet a close person whom I know, और मैं एक अपने काम के लिए उनको मिलने गया था, तो उनके साथ उनके फ्रेंड बैठे थे, तो जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि मिथुन देसाई, ही इज इन टू इन्वेस्टमेंट। तो दैट गाय से कि अरे देसाई जी बताइए क्या हॉट टिप है, अभी कहाँ पैसा बनेगा, कुछ बताइए ना। बोले तो आप पैसा लगा देते हैं, शो मी वेयर आई कैन मेक सम बिग मनी। तो हमने वही बोला, सर क्रांति चाहिए तो हम नहीं है, आई एम नॉट द राइट पर्सन। आपको शांति चाहिए, आई एम द पर्सन। क्रांति के लिए आप कहीं, यू नीड टू फाइंड समवन एल्स। माय जॉब इज टू डिलीवर पीस, शांति। क्योंकि अगर मैं क्रेजी रिस्क लेता हूँ तो नुकसान, मैंने बोला आपका ही है, मेरा नहीं है। ये हॉट टिप, ये मतलब नेक्स्ट बिग थिंग, क्या होगा, आपका ही पैसा जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। मैं तो, आप मुझसे कल इन्वेस्ट नहीं करोगे, मेरे 2 नए क्लाइंट में कहीं और से बना लूंगा, बट आपको वो पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। इट इज लेस, इट इज मोर देन टाइम आई विल रिक्वायर टू गेट 2 new clients, एंड दैट इज वॉट बैंक इज डूइंग। सो दिस एंजाइटी ऑफ हाइएस्ट रिटर्न हैज लेड टू पीपल चेजिंग unnecessary risk, which has resulted into downfall in the portfolios of so-called intelligent people. Or my life, there have been many teachers, and two I would like to name would be Mr. BP Singh, is a senior fund manager,
एंड मिस्टर ई ए सुंदरन, दे हैव रियली इन्फ्लुएंस मी इन द टर्म्स के आई न्यू लॉट ऑफ थिंग्स. बट गुरु किसको बोलते हैं कि उसको बहुत सिंपल वे में हम एक्सप्लेन कर पाए, हम उसको समझ पाए और एक्सप्लेन कर पाए और हमें बताया कि ये येस व्हाट यू आर डूइंग इज राइट बट दिस इज द वे यू शुड थिंक अबाउट इट. सो आई थिंक दिस टू पीपल हैव रियली इन्फ्लुएंस मी इन माई थिंकिंग प्रोसेस और मैंने जो समझा. और सो दो रूल है हमारे, बहुत सिंपल रूल. द रूल नंबर वन फॉर अस इज अवॉइड मेजर मिस्टेक्स, क्लियर कर. रूल नंबर टू, वी सर्टेनली नीड टू बी गुड इन्वेस्टर्स बट वी डोंट नीड टू बी द बेस्ट. ये जो पूरा प्रॉब्लम होता है ना, दैट इज व्हेन वी ट्राई टू बी दैट बेस्ट, व्हेन वी ट्राई टू बी दैट नंबर वन. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव हर्ड द स्टोरीज के बैंक बेंचर्स क्रिएटेड कंपनीज, क्रिएटेड वेल्थ, इनोवेटेड कंपेयर टू गोल्ड मेडलिस्ट. सो इट्स नॉट अबाउट, I think that is the reason is when we try to chase being the best, we become fearful. We fear to make mistake or we fear to accept mistake. I feel that is, as a distributor or even if I am advising someone, I should not be fearful to accept my mistake. Agar galti hoti hai to hum bolte hai ki yes sir, you are right, I am wrong. Main galat hu. ये जो प्रॉब्लम है ना वो बोला नहीं जाता मेजोरिटी लोगों से. एंड दैट इज वेयर दिस चैलेंज इज के पीपल, अरे मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, और रिस्क लो टू मेक इट राइट, और रिस्क लो टू मेक इट राइट. द डे आई अंडरस्टैंड आई एम रॉन्ग, आई वुड नो व्हाई आई एम रॉन्ग, एंड एज सून एज आई नो व्हाई आई एम रॉन्ग एंड आई कैन इजिली कम आउट ऑफ इट एंड आई कैन अगेन स्टार्ट एडिंग वैल्यू टू द क्लाइंट. होती है गलती, हर किसी से होती है. वी ऑल्सो आर ह्यूमन बींग, राइट? दैट्स वाई हम बहुत क्लियरली बोलते हैं कि ये ना तो डी आई वाई है, डू इट योरसेल्फ है, दिस मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल जर्नी, आप जो बोल लो उसको, या मेकिंग मनी, इट इज नॉट डू इट ऑन योर ओन, नाइदर इट इज डू इट फॉर मी. ये भी गलत मैं तो बोलता हूँ. अगर वो आप बोलो कि अरे तुम जो बोलो तुम कर लो अपने हिसाब से, आई ट्रस्ट यू, नो, देयर इज अ डू इट टूगेदर. वी बिलीव जम्बो वेल्थ, हमारा बहुत क्लियर थिंकिंग है कि द एंटायर मनी मैनेजमेंट इज अ डू इट टूगेदर टास्क वेयर वी हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तभी रिजल्ट आएगा. हमें भी इन्वॉल्व होते हैं, आपको भी उतना इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपका फायदा आपसे बेटर और कोई नहीं सोच सकता. और जरूरी नहीं है कि हर बात में हम ही एक्सपर्ट हों. So we believe in these two rules. One is avoid major mistakes, and a second, we need to be a good investor. We don't need to be best. दूसरा यही है कि there is nothing like DIY or do it for me, do it yourself or do it for me. It is do it together. It's a team work and team wins. और उसका simple example दो तो people tend to build compilation of best games, best talks. Yeah, I know what people do. People yani it could be investor, it could be distributor, it could be fund manager. Sab har koi ne kiya hai aur karte hai. And that is where the role of a distributor is very important to know kaun sa fund manager kya kar raha hai, kyun kar raha hai, kitna risk le raha hai wo return generate karne ke liye. Wo bahut important hai. We are always more interested, agar koi scheme bahut outperformance hoti hai na, we are more interested to know ye kyun hua, rather than trying to understand ye underperformance kyun hua. क्योंकि जहां पे अंडर परफॉर्मेंस है ना, वहां पे तो फंड मैनेजर बहुत रियलिस्टिक हो जाता है. चैलेंज जब किसी फंड मैनेजर की स्कीम टॉप परफॉर्मिंग में होती है ना, दैट इज द चैलेंज. क्यों? क्योंकि हम लोग ने भी जो भी बड़ी गलती लाइफ की होगी ना, वो हमारे अच्छे टाइम में ही किया होगा. इन आवर टफ टाइम्स और इन आवर बैड टाइम लाइक डिफिकल्ट टाइम्स, वी वुड नॉट हैव टेकन बैड डिसीजंस, बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी है. खराब टाइम में हम बहुत रियलिस्टिक सोचते हैं, बहुत लॉजिकल सोचते हैं, टू वे सोचते हैं, नफा भी देखते हैं, नुकसान भी देखते हैं. बट अच्छे टाइम में हम बिंदास सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, अरे वो कभी कभी लगता है अपुन ही भगवान है, यू नो. तो बिगेस्ट मिस्टेक्स आर डन इन द बेस्ट टाइम. सो हमारा डेटा
चालू होता है जब समवन इज इन दी, जब हमारा फंड मैनेजर टॉप नंबर वन पे आ जाता है ना, दैट इज वेयर वी स्टार्ट टॉकिंग टू हिम 1, 2, 3 मल्टीपल टाइम्स टू अंडरस्टैंड बॉस योर परफॉर्मेंस कितने रिस्क पे आया, कैसे आया और अब व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन। रिसेंटली आई वॉज डिस्कसिंग टू अवर फंड मैनेजर हु इज राइट नाउ नंबर वन पोजिशन, हिज फंड्स आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल, सो एंड ही टोल्ड मी ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड मिथुन नाउ माई एंडेवर इज नॉट टू बी ऑन द नंबर वन, नो माई एंडेवर इज कि मैं टॉप फाइव में टिके रहूँ, क्योंकि मेरा अगर ये सोच होगा ना कि मैं क्वार्टर वन क्वार्टर टू में रहूँ और वन पे, सो दैट आई विल नॉट बी टेकिंग अनड्यू रिस्क ऑन द क्लाइंट्स मनी। और ये जो उन्होंने बोला ना, आई वॉज फैन बिकॉज ही सेड क्लाइंट्स मनी, मैंने टाइम हमें ना वर्ड्स पकड़ते फंड मैनेजर्स के, आर मनी, फंड्स मनी, क्लाइंट्स मनी, ये छोटे छोटे वर्ड से सिग्नल मिल जाते हैं। यू वी डोंट नीड नो, इवन यू डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, आपको पीई पता हो, आपको नो, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सट्रीमली फाइनेंशियली इंटेलिजेंट टू आइडेंटिफाई एन एडवाइजर और अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप उतने ही फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हो तो आपको जरूरत ही नहीं है। यू नीड टू बी वेरी सिंपली इफेक्टिव लिसनर। माई टिप वुड बी के जब बंदा बात करता हो ना तो दो ही चीज एनालाइज करो, एक तो ट्राई टू आइडेंटिफाई दो स्मॉल वर्ड्स वॉट हीज यूजिंग, राइट, दूसरा यह दिमाग से बोल रहा है कि दिल से बोल रहा है, राइट, जो दिमाग से बोल रहा है ना उससे बेटर जो दिल से बोल रहा है, क्योंकि दिल से बोल रहा है ना वो सच बोल रहा है और वो आपके बेनिफिट से बोल रहा है। मेरी बहुत खराब आदत है बट मुझे वो आदत सुधारनी भी नहीं है। आई डोंट नो मेनी टाइम्स व्हेन आई एम स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग टू न्यू क्लाइंट्स, शायद उनको ऑड भी लगता होगा, अभी तक मुझे किसी ने टोका नहीं है बट मुझे खुद लगता है, क्योंकि सर ये हमारा जो पोर्टफोलियो है ना उसमें ये है, सर ये हमारे पोर्टफोलियो में ये हमारा फंड ऐसा कर रहा है, ये जो हमारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है ना उसको हमें ये डिलीवर हो रहा है, हमें ये देखना चाहिए, हमारा बोलता हूँ। अभी वो क्लाइंट का पैसा है, मैं तो बोलते हूँ कि भाई आई एम नॉट इन द गेम ऑफ एवियन, फिर भी मैं बोलता हूँ हमारा, बट ये जब मैं हमारा बोलता हूँ ना तो मुझे एक अपनापन लगता है, कनेक्शन लगता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है ज़्यादा होती है। यू नो आपका पैसा इधर लगता है, आपका तो आपका है, आपका है तो आपका है, मुझे क्या लेना देना है उससे। जो हमारा वर्ड में जो आत्मीयता आती है, जो कनेक्शन आता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आता है ना, मुझे क्लाइंट्स ने नहीं लेकिन कई लोगों ने नोटिस करवाया कि तुम ये हमारा बोलते हो यार, हमारा तो ये तो किसी को लगेगा कि तुम पैसा ले लेने वाले हो क्या, बट आई डोंट नो, आई लव सेइंग हमारा एंड इट इज नॉट सबकॉन्शियसली निकल जाता है, कैन नॉट हेल्प इट, में बोल सर ये हमारे पोर्टफोलियो में ये हो रहा है, बट दैट इज वेर इट गिव्स मी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट गिव्स मी ऑन द ग्राउंड। आज की तारीख में भी आई एम वेरी हैप्पी टू मीट अ क्लाइंट हु वॉन्ट टू सेव 2,000 rupees। आई एम वेरी पैशनेट मीटिंग, मैं समझता हूँ कि जिस दिन मैंने फील्ड से कनेक्शन छोड़ दिया ना, दैट इज द टाइम आई शुड नॉट बी इन माई प्रैक्टिस, आई विल रिटायर, क्योंकि आई नीड टू बी ऑन द ग्राउंड, आई नीड टू नो वॉट पीपल आर थिंकिंग, आई नीड टू कीप लर्निंग, आई नीड टू कीप कम्युनिकेटिंग। तो दैट इज फ्रेंड्स जंबो वेल्थ क्या है, ऐसे तो आई कैन गो डेज एंड डेज स्पीकिंग एंड आई कैन गो फॉर आवर्स एंड आवर्स गिविंग यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक फैंटास्टिक पीपल, अब जो मैंने आपको वर्ड यूज किया, आई टेल यू आई वुड लव टू ब्रिंग देम ऑन कैमरा, फैंटास्टिक पीपल, यू वुड बी सरप्राइज विद इमेंस वेल्थ, दे आर सो डाउन टू अर्थ एंड दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग। आई स्टिल रिमेंबर वेन आई वॉज स्टडींग वन ऑफ माई फादर्स क्लाइंट हैड अ मर्सिडीज स्पोर्ट्स कार एंड इट वॉज इम्पोर्टेड, एट दैट टाइम इट वॉज नॉट ईजी, आज की तरह मर्सिडीज मिल नहीं जाती है, यू नो द फ्यूल वॉज ऑल्सो टू बी ब्रॉट सेपरेटली फ्रॉम बॉम्बे एंड ऑल दैट, राइट, क्लाइंट इज इन विद्यानगर एंड सो वंस ही से सो आई टोल्ड माई फादर के आई लव स्पोर्ट्स कार एंड आई वुड लाइक टू, सो माई फादर कुड हैव समटाइम्स टोल्ड के यार माई सन इज वेरी कि उसको बहुत पसंद है ये कार और इज इट डेफिनेट। नाउ वंस आई हैपन टू मीट हिम बाई चांस एंड ही सेड अरे यार मिथुन योर ही रिमेंबर, ही डोंट नीड टू रिमेंबर, ही रिमेंबर अरे यू नो यू वॉन्टेड टू सी दैट कार दैट मर्सिडीज CLK
तो लेट्स डू वन थिंग, कल मैं वो गाड़ी लेके आता एंड यू बी देयर, वी विल गो फॉर अ ड्राइव. एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद अ स्पोर्ट्स कार एंड यू नो एंड व्हेन यू आर इन कॉलेज एंड ऑल, तो दीज थिंग्स रियली ड्राइव यू. अनफॉर्चुनेटली सेकेंड डे ही वॉज नॉट एबल टू कम. आई सो ओके मीन्स बी एंड ध्यान. After two or three days, I was just walking on the road and he stopped his car and he came out and he said, "Hey, I'm so sorry." I said, "Mere ko ekdam urgent foreign client had come and I was not there in the city. I'm really sorry. I forgot to bring your car." And my God, it touched me like, first, he don't need to remember. Even if he remembered, he promised me. If he forget, he's a very busy guy managing number of companies, 16, 17, 18, 19 companies. For him to, it's but natural, hum bhi bhul jate. But he remembered. The thing is stopping, coming down, and I was just an ordinary student and telling me that sorry, and then telling me your car. So and then he made sure and he took me later on, he gave me a ride into that car and it was fantastic. Same way there is another Vijayanagar client, till today I go, fantastic, big people, generational of money, but they talk to you, they like, super. So that's why I say they are fantastic people. They would ask you about your family, like, you know, मुझे लगता है कि they are so good to me, I am a sales person, I should be asking you, like, but oh, very different. It's not like they are obliging you or and lot of things to learn. So my biggest fortunate, my biggest wealth is the legacy which my father built up, which my grandfather built up is tremendous. Aur hamara yahi focus hai ki I continue that legacy. I am a guardian of my family's wealth. I am not the owner of my family's wealth. Aur wo bhi family's wealth mein jo important part hai wo ye sab legacies hai. And I also want to keep doing what my grandfather did, what my father did, right? So we are proud to be known as very, so we are very focused to our client. We feel for our client because I remember my father, ki agar client, I have not come across, sorry to say, but not a single CA. My father एंड माई अंकल फुआ जी जो है उनके अलावा मैंने कोई प्रोफेशनल देखा नहीं है कि उनको नींद नहीं आती अगर क्लाइंट ने टाइम पे रिटर्न फाइल ना किया हो. अगर क्लाइंट की अपील है, बड़ी अपील, बिलीव मी, डिजाइन करोस, अगर कुछ डेटा नहीं आया है तो उनको रात को नींद नहीं आती. प्रोफेशनल सीए लॉयर बोलेंगे, अरे आपने नहीं दिया, केस नहीं चला, केस हार गए, सिंपल. Anyway, आपने, मैंने दवाई लिख के दी, आपने दवाई नहीं ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ. इनको तो दे वुड लाइक ओके, सो दे मेड श्योर, दे वुड से कि भाई आई डोंट नीड टू बॉदर माई क्लाइंट. वो उनके अकाउंटेंट को फोन कर लेंगे. मेरा काम, अगर उनको मैं रात को डिस्टर्ब कर दो, फिर मैं सीए किस काम का, मैं प्रोफेशनल किस काम का. सो दैट इज वॉट आई लर्न, कि ऑलवेज गो एक्सटर्नल. अगर इफ यू आर आस्क्ड टू वॉक 3 steps फॉर समवन, वॉक 4, 5, 6 steps. So these are the things. This is Jumbo Wealth. Jumbo Wealth is nothing but just a compilation of good deeds of my father, forefathers, and blessings of my clients, and my love for what I do. That is what Jumbo Wealth is. Thank you so much.